चलिए तो बच्चा लोग हम लोग शुरू करेंगे एक और चैप्टर इंग्लिश का, वो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ग्लिम्स का मतलब होता है ना झाकी, झाकी समझते हो, रिप्रेजेंटेशन, किसी को प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब जैसे जब 26 जनवरी पे आप जाते हो ना, कभी नहीं भी जाते हो टीवी में देखोगे तो ऐसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जापान झारखंड ऐसे करके कुल गाड़ियां जाती है, उसके ऊपर उनकी संस्कृति लिखी होती है द्वितीया ना से। तो कोई कहीं योग लगा होता है, तो कहीं हरियाली लगी होती है, तो कहीं कुछ और होता है, देखे हो कभी? यस सर। उसको झांकी कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ये चैप्टर का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के अंदर की कुछ झांकियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को जो कवि है, जो राइटर है, वो प्रदर्शित करना चाहता है, दिखाना चाहता है, जिसमें उसने तीन लिए हैं, तीन टॉपिक लिए हैं। पहला ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके लेखक है लुसियो रॉड्रिक्स। दूसरा है कुर्ग, जिसके लेखक है लोकेश एब्रोल। और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम, जिसके लेखक है अनूप कुमार दत्ता। ठीक है, समझ है? चलिए तो स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले वाले से, ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है लुसियो रॉड्रिक्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है बेकर। बेकर का मतलब जो ब्रेड पकाता है, जो गांव में घूम घूम के साइकिल पे या रेडी लगा के बेचते हैं, ब्रेड ले लो, पाव ले लो, रोटी ले लो, ये सब चीजें बेचते हैं, उन्हीं को इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है मेन रोल में। जैसे हीरो होता है ना, ऐसे ही ये इस टॉपिक के अंदर हीरो है बेकर। ठीक है, और ये बता रहा है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, है कि नहीं? अगर सोचो ब्रेड वाले ना हो तो सोचो ब्रेड की वजह से कितनी तरह तरह की चीजें बनती है खाने पीने वाली। अगर ब्रेड ना बनेगा तो आखिर वो चीजें कहां से आएंगी, आ सकती हैं? और दूसरी बात कि अगर आप जो ठीक है आ भी जाए, बड़ी बड़ी जहां फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अगर वो आ भी जाए वहां से तो आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन जो आपको लोकल लोकल के क्षेत्र में जो बना रहा है वो आपको सस्ती भी देगा और ताजी भी देगा, है कि नहीं? फ्रेश देगा ना। और गड़बड़ होगा तो तुम उसको कह के एक के बदले दो ले भी सकते हो कंप्लेन करके, लेकिन दुकानदार वाले को जाओ कंप्लेन तो सुनेगा, वो कहेगा भैया पैकेट के अंदर था, सील था, ले लेंगे, नहीं रहेगा नहीं लेंगे, जाओ फाड़ देगा, खत्म होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द नैरेटर इज ट्रेलिंग डाउन द मेमोरी लेन, थिंकिंग अबाउट द लोव्स ऑफ ब्रेड अ बेकर डिलीवर एट हिज होम इन हिज चाइल्डहुड एवरी मॉर्निंग। और जो लेखक है लुसियो रॉड्रिक्स, ये सोचते हैं कि जब मैं बचपन में था तो कैसे ब्रेड वाला आता था, ब्रेड ले लो कहते हुए गलियों से गुजरता था, उसकी आवाज से गलियां मतलब कि गूंज उठती थी और सारे के सारे बच्चे टूट पड़ते थे कि ब्रेड आ गया, ब्रेड आ गया, ब्रेड आ गया, इस तरह की बातें से। तो जैसे कि ये तो ब्रेड की बात है, हम आपको रिकॉल कराते हैं थोड़ा सा, आप लोगों का बचपन क्या पता ऐसा रहा हो, तो बचपन में हम लोग के टाइम में ना बर्फ मिलता था, आइसक्रीम आता था ऐसे लेके, स्टिक वाले आइसक्रीम सो चूसते रहता था वो वाला। ठीक है, वो गांव में आता था ना, तो गांव में सब कोई पैसे नहीं देता था, कोई प्याज देता था, कोई मसूर देता था, कोई गेहूं देता था, कोई दाल देता था, कोई आलू देता था, उसके बदले वो देता था आइसक्रीम, समझ रहे हैं? वो उस समय की बात है। और जब आता था तो समझ में आ जाता था कि भाई कौन फलाना आ रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता था, वो एक ही व्यक्ति होता था जो हमेशा गांव में डेली के डेली बर्फ बेचता था, और उसको सभी लोग जानते थे, खाली एक बार कोई सब आ जाए, अरे फलाने आ गया, बस भले कोई भी किया हो पर फलाने आया, चलो बच्चे दौड़ पड़ते थे लेके, एकदम जल्दी से कौन चीज दे दो ले जाके बेच दे, एक बर्फ खरीद ले अगर घर में पैसा नहीं है तो, समझ। और वैसे भी ना गांव में ना सबके हाथ में वो करेंसी नहीं रहती है, लेकिन सबके घर में अनाज होता है, क्योंकि खेत सबको खेती होता है, तो इसके वजह से वो ये सब चीजें हम लोगों को देखना मिलती है। थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कभी किया हो ऐसा?
तो मजा आया होगा आपको सुन के, उसी का एहसास करो, उसी को फील करो कैसा मजा आता होगा मुझे। राबिया आपने किया है कभी? तुम शहरी कर्म थे क्या? गांव में नहीं रहती हो कभी? तो फिर अच्छा, मतलब बहुत बचपन की बात है क्या? नहीं, जो जो लंबे समय से है ना उसको दिमाग में होगा एक से। चलिए अब आते हैं हम, समझ में आया ऐसा हुआ तो समरी की स्टडी करते हैं इसकी। गोवा इज अ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्टुगीज। और पता है जब भारत हम लोग का गुलाम हुआ था तो उस समय चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि गोवा इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्टुगीज, यानी कि पोर्टुगीज समझते हैं पुर्तगाली। जैसे ना कि जब भारत देश में मतलब कि अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज सबसे पहले नहीं आए थे, उनसे पहले कौन कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे और फ्रांसीसी आए थे। तो ये दो तीन कैटेगरी पहले ही भारत में आ चुकी थी और यहाँ पे भारत से वो व्यापार शुरू कर चुके थे, लेकिन वो केवल व्यापार के मन से आए थे, राज करने का मन नहीं था उनका, खाली व्यापार करने का मन था। ठीक है, तो व्यापार ही करते थे। तो उस समय गोवा में जो लोग थे ना वो कौन से थे? सारे सारे पुर्तगाली। अभी भी जाओगे तो तुमको पुर्तगाली मिल जाएंगे वहां पे, अभी भी मिल जाएंगे वहां। ठीक है, अभी भी कुछ पुश्ते उनकी पुर्तगालियों की वहीं पे रह रही है, बस गई इंडियन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर ट्रेडिशनल वर्क कैन बी स्टिल सीन देयर, द पुर्तगीज आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड। और जो जैसे जो पुर्तगाली हैं उनकी क्वालिटी हमको देखने को मिलती है गोवा में, और गोवा में एक उन लोग का तबका है जो ब्रेड बनाता है और बहुत ही बढ़िया ब्रेड बनाता है। ठीक है, जो पुर्तगालियों में एक तबका है जो ब्रेड बनाता है और बहुत बढ़िया बनाता है, इतना बेस्ट कि लोग वहां पे जाते हैं खाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ब्रेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है द राइटर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा व्हेन द बेकर यूज्ड टू विजिट देयर होम एज अ फ्रेंड। और लेखक बात करता है कि जब वो बचपन में रहता था गोवा में तो वहां पे वो याद करता है कि डेली, डेली का मतलब पर डे, दिन में दो बार, ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में एक क्या कहते हैं जिंगलिंग करते हुए, जिंगलिंग का मतलब साइकिल पे पूरा बांध उध के बढ़िया से ब्रेड उड़ का टोकरी ओकरी, और बम्बू वॉक देम फ्रॉम स्लिप, और क्या कहते हैं कि साइकिल पे चाहे नहीं पैरों में बांस लगा लेते हैं और पीछे ऐसे झोला लटका लेते हैं, दोनों तरीके से, चाहे साइकिल पे और चाहे बांस वाले पैर में खड़े होकर थोड़ा ऊंचाई पे हो जाते हैं। yes, उस तरह के दोनों कंडीशन में आते थे गांव में और बोलते थे कि ब्रेड वाला है, ब्रेड वाला है। ठीक है, जिसकी वजह से सारे बच्चे ब्रेड लेने के लिए क्या करते थे, दौड़ जाते थे। दे ऑल रैन टू मीट हिम, द लोव्स वर परचेस्ड बाय द मैन सर्वेंट ऑफ द हाउस, द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो जो वो ब्रेड बेचता था जो सबसे क्वालिटी वाला वो था बोल नाम का ब्रेड था, जो मीठा होता था और अभी भी मीठा ब्रेड मिलता है हमको। yes, मार्केट में मीठा ब्रेड जो मिलता है ना जिसके अंदर क्रीम होता है, बीच में पैसे फाड़ के क्रीम डाले होते हैं, वो मीठा ब्रेड होता है। ठीक है, मीठा ब्रेड बेचता था वो कौन, पुर्तगाली जो आता था लकड़ी पे चाहे साइकिल पे पूरा जिंगलिंग करते हुए नहीं तर्कस करते हुए। और द मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट इट, और जानते हो वहां पे जो शादी होती थी ना उसमें भी उसको यूज किया जाता था, मतलब जब शादी हुई इस समय तुम जाओगे शादी ब्याह में तो तुमको पूड़ी कचौड़ी पनीर पुलाव ये सब मिलेगा, वहां पे शादी होती तो वहां पे अलग से था जो मीठे ब्रेड का भी स्टॉल लगा था, जहां पे खाली मीठा ब्रेड मिलता था वो भी लोग क्या करते बड़ी चाव से खाते। नेक्स्ट है द मैरिज सो द बेकर फर्नेस इन द विलेज वॉज द मोस्ट एसेंशियल थिंग, द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स वोर अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। तो देखो एक और सीन था, यानी ये जो ब्रेड वाले थे वो इतने ज्यादा घुल चुके थे हमारे सोसाइटी में, मतलब कि गोवा की सोसाइटी में, कि गोवा में अगर छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें ब्रेड का उपयोग वाला व्यंजन जरूर बनाया जाता था। जैसे मान लो किसी किसी लड़की की सगाई होने वाली है तो उसके घर में सैंडविच बनते थे, और सैंडविच बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, ब्रेड चाहिए ना, ब्रेड चाहिए। और वो उस दिन जिस दिन हालत था वो ब्रेड लेके, उस दिन उसका ड्रेस कोड अलग होता था, जो बेकरी वाला था ना बेकरी वाला, जैसे किसी घर में शादी है तो वो बेकरी वाला आता था तो अलग से ड्रेस पहन के आता था जो बना होता था केवल सगाई के लिए और कुछ शुभ कार्यों के लिए, जिसका नाम था ड्रेस का कबाई, ड्रेस का नाम था कबाई, समझ रहे ना।
जैसे नहीं होते बैंड पार्टी वाले आते हैं तो लाल लाल पहन के हमारे झुंझुनझुनू बजाते रहते हैं, सब ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वही वाला एक ड्रेस कोड होता है ना उन लोग का, वैसे इसका भी ड्रेस कोड था। चलिए, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज, इवन टुडे दे कैन बी सीन वेयरिंग अ हाफ पैंट दैट रीचेज जस्ट बिलो द नीज। पीपल यूजुअली कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। Baking was a profitable profession in the olden days. The baker and the family never starved and they look happy and prosperous. अब जो जो baker की family है ना वहाँ पे ये profession था, profession समझते हो ना, जैसे लोहार, सुनार, और क्या कहते हैं, लोहार हो गया, सुनार हो गया, और कौन हो गया, जैसे दर्जी, ठीक है, और कुम्हार, तो कुम्हार कुम्हार ये सबका खानदानी पेशा होता था क्या, कि जो उनका काम है वो उस्तों से चली हुई आ रही है। वैसे ही वहां पे भी, मतलब उस जगह पे भी पुश्तों से ये काम कर रहे थे ब्रेड बनाने का, इस वजह से उनका बहुत ही नाम गांव होता था। और जितना इनका इंपॉर्टेंस है ना, जिनका इनका इंपॉर्टेंस है गोवा में, उसके वजह से समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजों को उनके लिए क्या होती थी, हेल्पफुल थी हर एक जगह पे। और समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंस था कि जैसे गांव में कोई हेड होता, कौन प्रधान होता है ना, वैसे ही वो गांव में उस टाइप के उनका पौधा होता था गांव में, ठीक है, उस छोटे से इलाके में। और हर एक सेरेमनी में उनका इन्वॉल्वमेंट, बिना इन्वॉल्वमेंट की उनकी कोई भी सेरेमनी फीकी पड़ जाती है, समझ ले इस टाइप का। और जो कवाई पहनते थे ना, जानते हो कवाई कैसा होता है, कवाई मतलब जैसे फादर होते हैं चर्च के, पूरा लॉन्ग लॉन्ग पहनते हैं ना, वैसा ही वो पहनते कवाई। और इस समय तो अब पैंट शर्ट पहनते हैं सब, मतलब इतना सा पैंट जैसे ट्राउजर जैसा छोटा छोटा हो जाता है, और जो शर्ट होता है एकदम ढीला ढीला शर्ट अभी भी आपको गोवा के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और ब्रेड बनाने वाले भी आपको मिल जाएंगे, और वहां के ब्रेड आप खा के अभी भी मजा आएगा। समझ में आया? ये थी हमारी कहानी अ बेकर फ्रॉम